अवामी नुमाइंदे अवाम के दरमियान बात कर लेते हैं इंतखाबात की गहमा गहमी की। सबसे पहले बात नवाज शरीफ की, जिन्होंने कहा है कि वो वजीर आजम बनने नहीं इलेक्शन लड़ने आए हैं। मानसहरा में जलसे से खिताब किया, बोले अवाम झूठे शख्स के झांसे में आ गए, बेहतरीन पाकिस्तान छोड़ कर गए थे, जालिम बिगाड़ कर चले गए। मानसहरा में एयरपोर्ट बनाने, ट्रेन सर्विस शुरू करने और यूनिवर्सिटी बनाने का वादा भी कर गए। आज यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी झूठे शख्स के झांसे में आ गए। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। यहाँ जो 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मानसेरे का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने, यहाँ पर क्या सवारा है मानसेरे का? कोई नया पाकिस्तान बनाया? किसी ने कुछ बनाया तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया। ये 5 जज नवाज शरीफ को ना निकालते, मानसेरा खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहाँ पे। आज यहाँ वजीर आजम बनने के लिए नहीं आया, इलेक्शन लड़ने आया हूँ इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी झूठे शख्स के झांसे में आ गए। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। यहाँ जो 10 साल जिनकी हुकूमत रही है केपीके में, उन्होंने केपीके का और मानसेरे का क्या किया, क्या बनाया उन्होंने, यहाँ पर क्या सवारा है मानसेरे का? कोई नया पाकिस्तान बनाया? किसी ने कुछ बनाया तो वो फिर इस मोटरवे पे जाके देखे कि नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या बनाया। ये 5 जज नवाज शरीफ को ना निकालते, मानसेरा खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहाँ पे। कहाँ गए वादे, ना घर है ना ही नौकरियाँ। किसी ने बिलियन ट्री देखा, 1 अरब दरख्त लगाने वाला पहले से दरख्त लगे बेचकर खा गया। 10 साल हुकूमत के बाद सूबे में 5 अस्पताल ही दिखा दो। मरियम नवाज का मानसहरा में जारहाना खिताब, कहा इलेक्शन 8 फरवरी को है, मगर मानसहरा ने नवाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया। पर नवाज शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी, जो सिर्फ सियासी मुखालिफीन नहीं थे, जो जातियात तक उतरते थे। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बा गाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। एक भलाई का नहीं सोचा। 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है। पर नवाज शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी, जो सिर्फ सियासी मुखालिफीन नहीं थे, जो जातियात तक उतरते थे। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बा गाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। एक भलाई का नहीं सोचा। 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है।